नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। स्वामी प्रणवानंद जी को 75वें जन्मदिवस पर बधाई शुभकामनाएं। स्वामी जी, गुरु व्रजानंद गुरुकुल इंदौर के कुलपति भी हैं। आज का हमारा विषय है आर्य समाज के गौरव वैदिक धर्मानुरागी एवं ऋषि भक्त स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। स्वामी परमानंद सरस्वती जी, जन्म दिवस 7/7/1947। आर्य जगत के विख्यात सन्यासी हैं। आपने अपना पूरा जीवन वैदिक धर्म और आर्य समाज की सेवा में लगाया है। आपने आर्ष पाठ विधि से गुरुकुल झज्जर तथा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से अध्ययन किया। स्वामी ओमानंद सरस्वती तथा डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार जी आपके आचार्य रहे हैं। डॉक्टर महावीर जी, डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार जी, डॉक्टर सोमदेव शास्त्री, डॉक्टर जलंत कुमार शास्त्री आदि आपके पुराने सहपाठी और सहयोगी विद्वान हैं। आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्रिय जी आर्य जगत के अत्यंतम विद्वानों में से एक हैं। आप भी स्वामी जी के निकटतम मित्रों और सहयोगियों में से हैं। स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी वैदिक विषयों के मर्मज्ञ और विद्वान हैं। विगत अनेक वर्षों से आप गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली का संचालन कर रहे हैं। इस गुरुकुल की उन्नति एवं संचालन के साथ आपने समय समय पर भारत के अनेक भागों में अनेक गुरुकुलों की स्थापनाएं की हैं। वर्तमान में आपके द्वारा देहरादून के ग्राम पौदा में श्री मदयानंद आर्ष ज्योतिष मठ गुरुकुल का संचालन भी किया जा रहा है। इस गुरुकुल की स्थापना स्वामी प्रणवानंद जी ने जून 2000 में की थी। विगत 20 वर्षों की अवधि में इस गुरुकुल ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। युवा आर्य विद्वान डॉक्टर आचार्य धनंजय आर्य जी गुरुकुल पौंधा के यशस्वी आचार्य हैं। आचार्यों के रूप में इन्हें डॉक्टर आचार्य डॉक्टर यजवीर जी, आचार्य शिव कुमार वेदिक, आचार्य शिवदेव आर्य आदि का सहयोग प्राप्त है। स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी और इन सभी आचार्यों के अध्यापन में यह गुरुकुल निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। गुरुकुल पौंधा के अतिरिक्त मंजावली हरियाणा, वेल्लीपेसी केरल, उड़ीसा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में भी गुरुकुल स्थापित किए गए हैं। यह सभी गुरुकुल गतिशील और प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। उड़ीसा के बरगढ़ स्थान पर स्वामी जी द्वारा स्थापित एक कन्या गुरुकुल, एक बालकों का गुरुकुल संचालित किया जाता है। इतने गुरुकुलों का संचालन आज के समय में आश्चर्यजनक है। आर्य समाज की संस्थाओं में अर्थाभाव देखा जाता है। हम अनेक पुरानी संस्थाओं को जानते हैं जहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्हें उतना दान प्राप्त नहीं होता जिससे वह संस्थाएँ सुगमतापूर्वक चल सकें। इसके लिए उन्हें संपत्ति को किराए पर भी देना पड़ता है। ऐसे समय में नए गुरुकुलों को स्थापित और संचालित करना, वहाँ आचार्यों की नियुक्ति करना और उनका विधि विधान पूर्वक संचालन करने के लिए स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी निश्चित ही आर्य जगत की ओर से बधाई के पात्र हैं। सभी आर्यजनों को स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी की यथासंभव आर्थिक सहायता करनी चाहिए, जिससे कि ऋषि मिशन फले फूले और आर्य जगत की उन्नति में सर्वाधिक सहायता और महत्वपूर्ण हमारे सभी गुरुकुल बिना किसी बाधा के चलते रहें। यह गुरुकुल ही हमारे समाजों को पुरोहित, विद्वान, वक्ता, भजन उपदेशक, ऋषि भक्त, अधिकारी प्रदान करने के मुख्य स्रोत हैं। स्वामी प्रणवानंद जी सरल स्वभाव के सन्यासी हैं। आपने अपने जीवन में अनेक आर्य समाजी वृद्ध विद्वानों की सेवा की है। स्वामी जी को जीवन में कई बार गंभीर रोग हुए, परंतु उपचार के बाद वह स्वस्थ हो गए। एक बार हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने जीवन में आर्य समाज के अनेक वृद्ध लोगों की सेवाएं की हैं। इस सेवा और आशीर्वाद के कारण ही उन्हें लगता है था कि वह बड़ी बड़ी व्याधियों पर भी विजय पा लेते हैं। विगत 20 वर्षों से हम निरंतर अनेक अवसरों पर गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली, मझावली, गौतम नगर अलीगढ़ के गुरुकुलों में भी गए हैं। स्वामी जी के साथ एक बार हम एटा के गुरुकुल भी गए थे। इन सब स्थानों में जाकर हमने स्वामी जी के प्रति अपने प्रति सद्व्यवहार को अनुभव किया। उनके सद्व्यवहार एवं ऋषि मिशन के महनीय कार्य को होते देखकर हमारे मन में उनके प्रति गहरे सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। गुरुकुल गौतम नगर के उत्सव में हम जब जब गए हैं वहाँ हमारा निवास अत्यंत सुखद रहा है। स्वामी जी ही एक ऐसे विद्वान सन्यासी हैं जिनके पास हम निसंकोच भाव से चले जाते हैं। वहाँ जाना हमें सुखदायक लगता है। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि स्वामी जी सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु। वह आर्य समाज में जो कार्य कर रहे हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, वह जारी रहने चाहिए। हम स्वामी जी के द्वारा संचालित सभी गुरुकुलों की उन्नति की कामना करते हैं। स्वामी जी देश के आर्य समाजों
एवं आर्य संस्थाओं के आयोजनों में पधारने के साथ साथ विदेशों की आर्य संस्थाओं के आयोजनों में भी जाते रहते हैं। स्वामी जी का देश विदेश में सभी प्रमुख ऋषि भक्तों से परिचय एवं आत्मीय संबंध है। उनके सद्व्यवहार और कार्यों के कारण ही उन्हें गुरुकुलों के संचालन में सबसे सहयोग प्राप्त होता है। स्वामी जी को गुरुकुल गौतम नगर का संचालन करते हुए लंबी अवधि हो चुकी है। आप युवावस्था से ही इसके आचार्य बने थे और इसे जर्जरित अनवत अवस्था से वर्तमान उन्नत अवस्था में पहुंचाया है। आर्य समाज का सौभाग्य था है कि आर्य समाज का सौभाग्य है कि उसके पास आप जैसा ऋषिभक्त विद्वान सन्यासी है जो दिन रात आर्य समाज की उन्नति के लिए भागदौड़ करते हैं। हमें इस बात का भी संतोष है कि दिल्ली का गुरुकुल स्वामी जी के द्वारा उत्तमता से चलाया जा रहा है। इस गुरुकुल से आर्य जगत को अनेक योग्य स्नातक मिले हैं जो अनेक संस्थाओं और स्थानों पर सेवाएं दे रहे हैं। कुछ स्नातक विदेशों में भी निवास कर रहे हैं और उनके द्वारा वहाँ आर्य समाज का प्रचार और संगठन की उन्नति के लिए कार्य किया जा रहा है। आज ऋषिभक्त वैदिक धर्म के अनुयायी एवं वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी का 75वां जन्मदिवस है। स्वामी जी ने आज अपने जीवन के प्रशंसनीय और यशस्वी 74 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। कोरोना का कारण वर्तमान में कोई वृहद आयोजन और समारोह नहीं किया जा सकता। यदि कोरोना ना होता तो हम आज गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली में जन्मदिवस और अमृत महोत्सव का एक भव्य आयोजन होने का अनुमान करते हैं जिसमें हम आर्य जगत के बड़ी संख्या में विद्वान और ऋषिभक्त सम्मिलित होते। आज के पावन अवसर पर हम स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी को उनके 75वें जन्मदिवस पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। स्वामी प्रणवानंद जी स्वस्थ दीर्घायु और यशस्वी हों, यह हमारी सर्वशक्तिमान एवं सद कामनाओं को सिद्ध करने वाले ईश्वर से प्रार्थना है। ओम। अन्य वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।